तो आगे ही करेंगे हम ये एलिका की स्प्रे। ये है 200 ml है, इसमें दो ड्रम की है, तो देखते हैं आज एक ड्रम करेंगे। और यहाँ पे भी है घर के पास थोड़ा बहुत, तो आधा ड्रम यहाँ पे भी करेंगे हम। यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है इस पेड़ में, तो बाकी में तो कम कम है, पर यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी बजे सुबह के 8, तो आज मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। तो यहीं जा रहा हूँ, बोनी भाई के घर के पास हमारा खेत, तो वहाँ पे देखते हैं एप्पल की कंडीशन किस प्रकार से है। तो पापा बोल रहे थे, सुबह गए थे, कि हुली एफर्ट फैल रहा है, एक बीमारी है, तो देखते हैं कितना ज़्यादा है, नहीं तो कल जाना पड़ेगा ननखरी, दवाई लानी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं खेत में, और व्यू देख सकते हैं आप पीछे, हल्के हल्के से क्लाउड है आज आसमान में, तो उतना बढ़िया मौसम नहीं है और व्यू भी नहीं दिख पा रहा है ढंग से। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं खेत में, तो मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो गाइस, कुछ इस प्रकार का होली एफर्ट, तो इसमें आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके अंदर ये होते हैं छोटे छोटे से कीड़े, तो बाद में मक्खी बन के ना पूरे खेत में फैल जाती है, और इससे रस्टिंग होती है बाद में। तो हम इसमें एलिका डाल रहे हैं। अगर आपको बेस्ट दवाई के नाम पता होगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, सजेस्ट करना कि क्या डाल सकते हैं हम इसमें। तो ये अभी तो मतलब कि लग ही रही है, तो काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। वैसे तो परसों तो काफ़ी ज़्यादा कम थे जब हमने स्प्रे की थी कैल्शियम और बोरोन की, तो आज देख रहा हूँ मैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पूरे खेत में ही है ये लगभग। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से होते हैं, इसमें छोटे छोटे से कीड़े होते हैं अंदर। तो कल करेंगे अब हम स्प्रे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं ढंग से एक बार, तो ये देखो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, तो बाद में काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, तो रस्टिंग भी हो जाती है बाद में। तो आज जाना पड़ेगा ननखरी, पापा जाएंगे शायद, एलिका डालेंगे कल। तो अब भी काटते हैं घास, इधर सेब में लग रहा है घास, और इस साल सेब भी काफ़ी बढ़िया है। अभी मैं ये काटता हूँ यहाँ से घास, तो सेब में लग रहा है ऊपर, तो ये लाई है मैंने दराटी जैसी, तो इससे काटूँगा। तो इधर ही है थोड़ा, बाकी परे को तो हमने मशीन से काटा हुआ था, इधर कुंशी लगी दोबारा से, दीदी की शादी के लिए काटा था, उसके बाद काटा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा लगा हुआ इधर, तो इधर एप्पल में ही लग रहा है ऊपर है, तो इसको काटता हूँ। यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है इस पेड़ में, तो बाकी में तो कम कम है, पर यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो आप, अभी टाइम 9:30 हो रहे हैं, और अभी मैंने थोड़ा बहुत घास काटा पेड़ में लग रहा था ऊपर, और अब चलते हैं घर की तरफ। तो ब्रेकफास्ट करूँगा अभी घर जाके सबसे पहले, तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। खेत जाएंगे शायद, बानी बालड़ी लगानी आज, बाकी देखते हैं क्या होता है, ननखरी भी जा सकता हूँ। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ वापस खेत की तरफ, तो दवाई तो मैंने आज ला दी थी, यहीं गांव में मिल गई थी मेरे को, 200 ml लाई है एलिका, अक्षित भाई के पास थी तो उन्होंने दे दी थी। तो अभी चलती है, तो ड्रम नहीं कर रहा अब मैं, तो जहाँ जहाँ पे स्पॉट पे करेंगे अब हम स्प्रे। ये पीट वाली मशीन है, तो इससे ही करेंगे, अगर इससे कंट्रोल हो जाती है तो बढ़िया है, अगर नहीं होगी तो 10-15 दिन के बाद एक ड्रम करना ही पड़े, एक नहीं 2-3 ड्रम लगेंगे वहाँ पे, क्योंकि फिर ज़्यादा ही फैल जाएगा। इससे ऐसा है, अगर कंट्रोल हो जाता है तो स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो परसों डालेंगे हम नेटिवो। तो अभी चलते हैं खेत की तरफ, और अभी टाइम हो रहे 5 बजे शाम के, तो शाम को ही होती है अब स्प्रे, सुबह और शाम को ही करते हैं, तो दिन को तो आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। हुली एफर्ट है हमारा आगे, बोनी भाई के घर के पास है खेत, वहीं है नाली में, बाकी खेतों में तो है नहीं। आगे हमने यूरिया काफ़ी ज़्यादा डाल दिया था, तो उस वजह से ही हुआ है शायद। तो आगे ही करेंगे हम ये एलिका की स्प्रे। ये है 200 ml है, इसमें दो ड्रम की है, तो देखते हैं आज एक ड्रम करेंगे, और यहाँ पे भी है घर के पास थोड़ा बहुत, तो आधा ड्रम यहाँ पे भी करेंगे हम, जहाँ जहाँ पे स्पॉट पे ही करेंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं खेत में, तो अभी परे ड्रम भर रहे पापा, तो एक ड्रम ही करेंगे इसमें। तो इधर आधे खेत में तो है नहीं, पर नीचे को है काफ़ी ज़्यादा, इधर तो साफ़ है पेड़, तो एक ड्रम से हो जाएगा ये। यहाँ देखो,
ऑलमोस्ट अभी हमने पूरे खेत में कर दिए स्प्रे, पीट वाली मशीन से ही स्पॉट स्पॉट में कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी था तो इतने एक में किया है, जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे किया है, छिड़काव सा किया है ये हल्का हल्का। तो अभी और करेंगे, इसमें कम से कम 60 लीटर पानी और बचा हुआ है तो वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जाएंगे घर की तरफ। अभी हम यहाँ पे नलके से ही भर रहे हैं अब इसको, तो ये है 20 लीटर की हमारे पास ये, तो इसमें डालना है हमने 10 ml एल्काइल, तो ये 200 ml दो ड्रम का ही। कल जाएंगे हम ननखरी मैच देखने, तो कल वहाँ पे सेमीफाइनल होने, और 24 तारीख को परसों है वहाँ पे फाइनल, तो परसों हमारा मैच भी है कोकोई में, रोडो साइड है वो, कदरेला से नीचे है 5-10 किलोमीटर, तो परसों आपको वहाँ पे भी ले जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, आपके एक सब्सक्राइबर से मेरा हौसला जो है 100 गुना ऊपर बढ़ जाता है, तो बेल आइकन को ऑल पे सेट करना जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो अभी पापा तो कर रहे हैं स्प्रे, थोड़ी बहुत सी रही है, तो अभी ये लास्ट खेत रहा है नीचे नीचे को, इसमें भी है थोड़ा बहुत सा, तो अभी इसमें कर देते हैं कंप्लीट स्प्रे, तो परसों करेंगे हम इसमें और स्प्रे, नेटिवो डालेंगे पत्तों के लिए, पत्ते भी पीले हो रहे हैं हुली एफर्ट की वजह से। अभी टाइम भी 6:30 होने वाला है, तो इसके बाद हम जाएंगे घर स्प्रे करके, तो आगे देखते हैं क्या होता है अभी, और कल मौसम शायद से ख़राब होगा, अगर साफ़ होगा तो फिर पक्का जाएंगे ननखरी। पत्ते भी थोड़े से पीले हो रहे हैं, तो अब पत्तों की स्प्रे करनी पड़ेगी इसमें, और सेब तो इस साल बढ़िया है लगभग, आज से पहले तो कभी हुआ नहीं हुली एफर्ट, आया नहीं आज तक, पिछली बार आया था पीछे हाइट वाले खेत में, वहाँ पर भी हमने पीट वाली मशीन से किया था और चला गया था, इस साल हमने यूरिया ही काफ़ी ज़्यादा डाल दिया तो उस वजह से आ रहा है, तो अगली बार से यूरिया नहीं डालेंगे अब हम। ये पेड़ गिरा हुआ था हमारा पिछली बार सर्दी में ना बर्फ़ के कारण, तो फिर दोबारा से खड़ा किया, और इस साल इसमें भी सेब बढ़िया लगे हुए हैं, स्पोर्टे देखो आप इसमें कितनी लगाई है, इसको रोकने के लिए ये भी अब सड़ गई है, तो इस साल न्यू लगानी पड़ेगी, टूट जाएगी वरने। अब इसमें एक बार मल्चिंग करनी पड़ेगी, अभी तो नहीं लग रहे नीचे सेब वैसे घास में, पर एक हफ्ते के बाद करनी पड़ेगी इसमें मॉल्चिंग, और मौसम तो ख़राब ही है, हल्की हल्की सी धूप लगी हुई थी दिन को, पर उसके बाद क्लाउडी क्लाउड है वैसे मैक्सिमम। तो गाइस अभी हमने स्प्रे कर दिए कंप्लीट, तो अब जा रहे हैं हम घर की तरफ वापस, तो मिलते हैं अब आपको घर में, और टाइम 7 बज गए, तो आजकल अंधेरा भी लगभग 7:30 के बाद ही होता है, तो 7:30 में पहुँचेंगे हम घर में, तो व्लॉग को एंड वहीं करेंगे अब घर में जाके डायरेक्ट, तो अभी चलते हैं घर की ओर।